नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो वीडियो मुझे एक बहुत मेरे करीबी मित्र हैं उन्होंने भेजा है। और उन्होंने बोला कि भाई देश को ये पता चलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, और वो भी कोरोना के टाइम पर। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त लॉकडाउन है करीब मंडे तक का। और इसी बीच ये वीडियो आता है और इसमें एक महिला हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस से पंगा ले लिया है। तो चलिए देखते हैं, फौरन शुरू करते हैं कि इस वीडियो में क्या है। क्या साइड में करो ना, क्या हो गया, क्या अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले देखते करेंगे। और साथ में यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा रहा क्या? वो आगे कह रहा था हम क्या करें, वो आगे चुप के रह जाओ, साइड में लगाओ, इसको बाहर निकालो, इधर तो लगा रहा अधिकार क्या होता है बताना जरा, आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है? बंद गाड़ी में हम बैठे हैं, कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? नहीं नहीं, आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस के नहीं आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए हैं, मुख्यमंत्री में बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, आप मास्क लगा के सामने क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, कितना दूर रहेंगे हमको तुम्हारे पास आने की, तुम क्या हमारी गाड़ी को क्यों रोकी, हमारी गाड़ी को क्यों रोकी? और अगर दम हो ना, चल रे चल चल मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, उसको क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? तुम अधिकार की बात कर रहे थे, बताना जरा पब्लिक है, लेडी पुलिस बुलाओ फटाफट, जाओ जो करने कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो चलो, तुम मैं बैग बना लिया हमने, चलो भाई तेरे हमने आज चालान ले, ना ना कोर्ट में जाएगा चालान, कोर्ट जाएगा कि इतना तुम तुम्हें चालान ले लो, यहां पे घूम लूंगा मैं तुमसे ज्यादा पड़ी थी, क्यों जाके ले लो गाड़ी की चाबी, ले लो गाड़ी की चाबी, ले लो यार लेडी पुलिस कहाँ है? शाम तक सारे के सारे रोक लो, जल्दी बुला दो, कौन भी है कोई भी भाग कर आएगी, और तुम गाड़ी को हाथ आगे दिखा दो, चाबी को चलो, चलिए लगाइए चाबी को, सर 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 चलाओ चलाओ चालान आए बड़े चालान, अरे पुलिस वाले थ्री स्टार, शर्म कर लो, नॉर्मल पब्लिक से सुन ले लो मैडम, चालान भी करेंगे एफआईआर भी करेंगे, अभी बताएंगे सारी चीजें, बोलोगे नहीं नौटंकी काट रखी तुमने कोरोना के चक्कर में, कोई बात नहीं
लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिख मंगे। मैं भी एक पुलिस वाले चला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है, तो क्यों रोकी हमारी गाड़ी तुमने? तुमने कोरोना के चक्कर में इतना नौटंकी क्यों कर रखा है? अरे हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का रूलिंग आया पता है? यूपीएससी क्लियर कर चुकी है, तो मैडम आपको थोड़ा तमीज होनी चाहिए। गाड़ी में बैठे हैं, क्या मास्क लगा रहे? कर्फ्यू तो निकल रहे, कर्फ्यू तोड़ रहे सारे। कर्फ्यू पास है आप लोग के पास? कर्फ्यू पास है? अरे भैया जरूरी काम से जा रहे हैं। क्या जरूरी काम है? क्या जरूरी काम है? भैया एक क्या कहते हैं, भैया के पास है, उनके पास मम्मी की तबीयत खराब है, उनको गाड़ी लेके जाता है। आगे सर लेडी लेडी कौन सा लेडी कौन सा गाड़ी चाबी ले लो। चलो ना चलो। और अगर आप गाड़ी के आगे आए, तीन बार कह रही हूँ, समझ रहे हो? अरे यार क्या ये चलेंगे तो मेरी चाबी चाबी गाड़ी को रख लेंगे गाड़ी में। गाड़ी चाबी ले लेंगे। ओ भैया मैं भागने चोरी चोरी कर दिया मैंने। छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती आप। थाने चलो, थाने आ जाओ, छोड़ दो, बहुत लंबा जाएगा। मेरी गाड़ी लॉक होनी चाहिए पहले। हाथ नहीं लगाना मैडम, बदतमीजी कम कर रहा है। आप किसने लगाया? वो मेरे पति को कैसे लेके जा रहे हैं? मास्क है नहीं है? चलो चलो ले ले भाई, चल इसको दिखा दे। तो गाइज ये था वीडियो, और भाई मैडम के तेवर तो गजब थे। गाड़ी भी नहीं लगती थी, ऐसा लग रहा था जैसे बस शोरूम से निकाल कर ही लेकर आई थी मैडम गाड़ी। और हस्बैंड बेचारे तो चुपचाप इधर उधर रहे, थोड़ा बहुत उन्होंने पत्नी का साथ दिया लेकिन थोड़ा बच के ही रहे। लेकिन भाई ये तो है गलत। आपने देखा पुलिस वालों ने बहुत प्यार से समझाया कि बहन जी मान जाइए, मास्क पहन लीजिए, रूलिंग है हाईकोर्ट की और कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में, लॉकडाउन के मुझे लग रहा है पहले का ये वीडियो है। लेकिन मैडम तो मान ही नहीं रही थी, और मैडम जिस तरह से पुलिस वालों से लड़ रही थी आपने देखा, फिर बीच में कहा कि ये पुलिस वाले की बेटी हैं, इनके फादर एसआई हैं। तो भाई पुलिस वाले की बेटी हैं तो इन्हें और ज़्यादा समझदार होना चाहिए कि यार इतनी महामारी फैली हुई है, कोरोना का संकट है, और इसमें अगर कोई नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं तो वो हम लोगों की भलाई के लिए हैं, वो पुलिस वालों की भलाई के लिए नहीं है। पुलिस वाले तो बेचारे इतने उसमें संकट में भी वो अपनी जॉब कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैडम पुलिस वालों से बदतमीजी करती जा रही थी। और एक जगह खुद ही कहती हैं कि बदतमीजी कौन कर रहा है, बदतमीजी कौन कर रहा है, हाथ छोड़ो, हाथ छुड़ाओ, हाथ छुड़ाओ, बदतमीजी नहीं, और खुद बदतमीजी किए जा रही हैं। अब ये तो बड़ा गंभीर है यार, और ये बिल्कुल मैडम ने ठीक नहीं किया। अगर रूल्स बने हैं तो वो सबके लिए हैं और आप उससे अलग नहीं हैं, लेकिन मैडम मानी नहीं, और ये मैडम ने ठीक नहीं किया। और मेरे हिसाब से, मतलब मेरी जो राय है वो ये राय कहती है कि भाई इन मैडम ने तो गलत किया। अच्छा, पुलिस वालों ने बड़े प्यार से, बड़े जतन से उनको बताया, प्यार से बताया, संभाला, फिर लेडी पुलिस को बताया। आप वो जो देख रहे थे वो लेडी पुलिस थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि इन दोनों के ऊपर FIR कर दी गई। भाई पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और इनको दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। अब मैडम वहाँ पर तो पुलिस वालों के सामने अपने वीडियो में देखा कि बड़ी झाड़ लगा रही थी, रोब दिखा रही थी, तेवर में थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दिल्ली इन्हीं की है। लेकिन हुआ क्या कि जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में तो इनको मास्क भी लगाना पड़ा, जज से माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और जज ने कहा कि भाई आप लोगों को जमानत नहीं मिलेगी, आप लोगों ने कानून तोड़ा है और इस ऐसी बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं होगी, और जज ने जमानत देने से मना कर दिया और कहा कि भाई अब तो आप जेल में रहोगे। तो फिलहाल जो है दोनों पति पत्नी
फिलहाल जो है दोनों पति पत्नी तिहाड़ जेल में हैं, और वहीं पर अब सोच रहे होंगे कि यार क्यों पुलिस वाले से पंगा लिया। तो भाई, एक तो पुलिस वालों से पंगा मत लीजिए, दूसरा अगर पुलिस वाला प्यार से आपको समझा रहा है तो आप बात मान जाइए, क्योंकि वक्त ऐसा नहीं है। और वो आपके लिए कह रहा है, हम सबके लिए कहेगा, अगर कोई रोकता है कोई बात, अगर हम मास्क हमने नहीं पहना है, वो गाड़ी में बैठे हों कहीं भी बैठे हों, कुछ सोच समझ कर उसको आदेश दिया गया है और दो लोग बैठ के जा रहे हैं, आप अपनी चिंता नहीं है तो आप दूसरों की चिंता करिए, मास्क दूसरों के लिए पहना जा रहा है। तो मेरी तो यही राय है कि भाई ऐसे तेवर बिल्कुल मत दिखाइए। तो फिर जल्दी हाजिर होता हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।